गुड मॉर्निंग मिस्टर माइकल। डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जुलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। मैं आज के अपने इस प्रेजेंटेशन में एम्ब्रियोलॉजी के हिस्टोरिकल व्यूज को इंक्लूड करने जा रही हूँ। हिस्ट्री को दो पार्ट के अंदर स्टडी किया जा सकता है, एंशियंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड। एंशियंट पीरियड में जहाँ इजिप्टियन थॉट्स और ग्रीक थॉट्स को इंक्लूड किया गया है, वहीं मॉडर्न पीरियड के अंदर विभिन्न प्रकार की हाइपोथेसिस, थ्योरीज और लॉज को इंक्लूड किया गया है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन के दौरान एम्ब्रियो के फॉर्मेशन एवं ग्रोथ से संबंधित बहुत से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किए गए थे और यह एम्ब्रियोलॉजी का ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है। इसी तरीके से इंडियन मेडिकल बुक सुश्रुत संहिता में ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है। ग्रीक सिविलाइजेशन के दौरान एम्पीडोकल्स ने किसी भी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में मेल एवं फीमेल पेरेंट्स के पार्शियल कंट्रीब्यूशन के बारे में कंसेप्ट दिया। इसी तरीके से हिप्पोक्रेट्स ने चिक के एग के डेवलपमेंट को डिस्कस किया। एरिस्टोटल, जो कि एम्ब्रियोलॉजी के फाउंडर फादर कहलाते हैं, उन्होंने अपनी बुक डी जनरेशन एनिमलिज्म के अंदर बहुत सी स्पीशीज के डेवलपमेंट को डिस्कस किया है। एरिस्टोटल ने ही एम्ब्रियन शब्द जो है वो सबसे पहले दिया था। इसी तरीके से हीरोफिलस और गेलेन ने यह बताया कि फीमेल की ओवरी एम्ब्रियोजेनेसिस से रिलेटेड मटेरियल को प्रोवाइड करती है। एम्ब्रियोलॉजी की हिस्ट्री का मॉडर्न पीरियड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ ही प्रारंभ हो गया। इसके पश्चात स्पर्म और ओवा की प्रेजेंस का पता लगा और इनकी प्रेजेंस का पता लगने के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से संबंधित बहुत सी हाइपोथेसिस और थ्योरीज दी गई। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑलरेडी फॉर्म्ड, यह हाइपोथेसिस डच साइंटिस्ट स्वाम मर्डम ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग जर्म सेल के अंदर एम्ब्रियो या एडल्ट एनिमल का प्री फॉर्म्ड मिनिएचर यानी कि सूक्ष्म जीव पहले से ही उपस्थित होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इस मिनिएचर का केवल साइज बढ़ता चला जाता है। इस हाइपोथेसिस को मानने वाले साइंटिस्ट में से कुछ का मानना यह था कि यह मिनिएचर ओवम के अंदर उपस्थित होता है। इन साइंटिस्ट को ओविस्ट कहा गया। जो मुख्य ओविस्ट हैं उनमें मालपीजी और बोनेट का नाम लिया जाता है। इसी तरीके से साइंटिस्ट का दूसरा वर्ग यह मानता था कि मिनिएचर स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है और इस मिनिएचर को स्पर्मिस्ट ने ह्यूमन क्यूलस का नाम दिया। इन साइंटिस्ट में ल्यूवेन हॉक और हॉर्सोकर प्रमुख थे। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, यह थ्योरी वुल्फ के द्वारा प्रोवाइड की थी। वुल्फ ने अपना वर्क चिक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पर किया था और इस वर्क के दौरान वुल्फ ने यह पाया कि बनने वाले सभी नए ऑर्गन्स सक्सेसिव प्रोग्रेसिव फॉर्मेशन से बनते हैं, यानी कि सभी ऑर्गन्स जो हैं वो एक के बाद एक बनते हैं। कोई भी ऑर्गन्स पहले से बना हुआ नहीं होता है। ऑर्गन्स कभी भी प्री फॉर्म्ड नहीं होते हैं। यह ऑर्गन्स का सक्सेसिव डेवलपमेंट एपिजेनेसिस कहलाया। थ्योरी ऑफ जर्म लेयर, इस सिद्धांत को देने में स्प्लांजनी, पेंडेरा और कोवाल्स्की का कंट्रीब्यूशन मेन रूप से रहा। स्प्लांजी ने
फ्रॉग के जायगोट में क्लीवेज की स्टडी की। इसी तरीके से पेंडेरा ने चिक एम्ब्रियो के अंदर यह बताया कि उसमें तीन टर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। पेंडेरा ने यह भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स इन्हीं तीन टर्मिनल लेयर्स के द्वारा बनते हैं। इसके बाद पोवेल वेस्की ने एम्फीऑक्सिस के डेवलपमेंट की स्टडी के दौरान यह क्लैरिफाई किया कि एम्फीऑक्सिस के डेवलपमेंट में जायगोट सबसे पहले एक सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला के अंदर कन्वर्ट होता है और यह ब्लास्टुला उसके बाद इनवेजिनेशन यानी कि अंतर्वलन द्वारा डबल लेयर ब्लास्टुला में बदल जाता है। बेयर्स लॉ, इसके अनुसार डेवलपमेंट के दौरान जनरल करैक्टर्स पहले प्रदर्शित होते हैं जबकि स्पेशलाइज्ड करैक्टर्स बाद में प्रदर्शित होते हैं। बेयर को आधुनिक एम्ब्रियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। बेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीशीज के एम्ब्रियो उनके एडल्ट्स के कंपैरिजन में अधिक सिमिलर होते हैं और डेवलपमेंट के दौरान एक स्पीशीज का एम्ब्रियो दूसरी स्पीशीज के एम्ब्रियो से धीरे धीरे अलग होता चला जाता है। थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन और बायोजेनेटिक लॉ, यह लॉ मिलर और हैकले द्वारा दिया गया था। इन साइंटिस्ट ने बेयर्स के लॉ को फाइलोजेनेटिक कंसेप्ट के बेसिस पर एनालाइज किया और इसके परिणाम स्वरूप रिकैपिटुलेशन थ्योरी का जन्म हुआ। रिकैपिटुलेशन थ्योरी या पुनरावर्तन सिद्धांत के अनुसार एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक इंडिविजुअल में उसके प्रिमिटिव फीचर्स पहले डेवलप होते हैं जबकि रीसेंट करैक्टर्स रिलेटिवली बाद में अपीयर होते हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। इन शॉर्ट, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी अर्थात व्यक्ति वृत्त परिवर्तन जाति वृत्त परिवर्तन को दोहराता है। जर्म प्लाज्म थ्योरी, यह थ्योरी अगस्त वीजमैन के द्वारा दी गई थी। अगस्त वीजमैन ने हेरिडिटरी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बीच में रिलेशनशिप को समझाया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी एडल्ट ऑर्गेनिज्म के बनने वाले प्रत्येक बॉडी पार्ट के लिए उसकी जर्म सेल्स के अंदर कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं। इन पार्टिकल्स को उन्होंने डिटर्मिनेंट नाम दिया। उनके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार की आधुनिक जेनेटिक्स के अंदर जीन्स उपस्थित होते हैं। मोज़ेक थ्योरी, यह थ्योरी रॉक्स के द्वारा दी गई थी। रॉक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट फ्रॉग के एग में किए थे। इन्होंने फ्रॉग के डेवलपमेंट के दौरान उसकी फर्स्ट क्लीवेज के बाद बनने वाले दो कोशिकाओं में से एक कोशिका को हॉट नीडल के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया और बाद में जब इन्होंने बची हुई दूसरी कोशिका के डेवलपमेंट की स्टडी की तो यह पाया कि उस कोशिका से केवल आधे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है। इसके पश्चात रॉक्स ने यह कंसेप्ट दिया कि डेवलपमेंट के अंदर जो प्राथमिक इवेंट होती है, जो प्राइमरी इवेंट होती है, वो सेल्स का डिफरेंशिएशन होती है। इसके पश्चात दूसरी थ्योरी रेगुलेटरी थ्योरी आई। रेगुलेटरी थ्योरी हेंस ट्राइस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी और इन्होंने अपना काम सी अर्चिन के एक्स पर किया था। इनके अकॉर्डिंग ईच सेल्स ऑफ एन अर्ली एम्ब्रियो हैज द कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट एम्ब्रियो।
एंड द फेट ऑफ दी सेल इज डिपेंडेंट अपॉन देयर लोकेशन इन द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने सी अर्चिन के एग में फर्स्ट क्लीवेज के बाद बनने वाली कोशिका में से जब एक कोशिका को डिस्ट्रॉय किया और बची हुई दूसरी कोशिका के डेवलपमेंट की जब स्टडी की, तो यह पाया कि बची हुई दूसरी कोशिका से कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि बनने वाला एम्ब्रियो कंप्लीट होता है। इस प्रकार के डेवलपमेंट को उन्होंने रेगुलेटिव डेवलपमेंट का नाम दिया। और इस तरीके के जो एग्स होते हैं जिनमें रेगुलेटिव डेवलपमेंट पाया जाता है, उनको रेगुलेटिव एग्स ग्रेडियंट थ्योरी या प्रवणता सिद्धांत। यह सिद्धांत टी बॉवरी और चाइल्ड के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग एनिमल और वेजिटल पोल के बीच में एक एक्टिव मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट उपस्थित होता है और यह एक्सियल ग्रेडियंट मार्फोजेनेटिक डेवलपमेंट यानी कि मार्फोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके पश्चात हॉस्टेडियस और रनस्ट्रॉम ने यह प्रपोज किया कि एक नहीं ओवम के अंदर दो एक्टिव ग्रेडियंट्स पाए जाते हैं। इनमें से एक ग्रेडियंट ओवम के एनिमल और वेजिटल पोल के बीच में होता है, जबकि दूसरा ग्रेडियंट एनिमल पोल से लेकर वेजिटल पोल की तरफ जाता है। ग्रेडियंट थ्योरी के फंडामेंटल बेसिस के आधार पर क्लीवेज, गैस्टुला और मार्फोजेनेसिस के कंसेप्ट्स को आसानी से क्लियर किया जा सकता है, आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजर थ्योरी या संगठक सिद्धांत। यह सिद्धांत स्पेमैन ने 20th सेंचुरी के शुरुआत में दिया था और स्पेमैन ने इसके लिए एम्फ्यूमन एम्ब्रियो में के साथ बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट किए थे। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू पास वाले दूसरे टिश्यू को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि वह स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। स्पेमैन के अकॉर्डिंग वह टिश्यू जो कि इंड्यूस करता है उसे इंडक्टर या ऑर्गेनाइजर कहा जाता है और इसके मार्फोजेनेटिक इफेक्ट को इंडक्शन कहते हैं। स्पेमैन को अपने इस काम के लिए 1935 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने बताया कि इंडक्शन किसी भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का बेसिक फंडामेंटल मैकेनिज्म को कंप्लीट करता है। इस टॉपिक से संबंधित जो मुख्य प्रश्न एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं वो प्रमुखतया डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और उनको देने वाले साइंटिस्ट के नाम पूछे जा सकते हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स के मेन कंटेंट के बारे में पूछा जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजिकल हिस्ट्री के एंशियंट पीरियड या फिर मॉडर्न पीरियड के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।